हाँ जी, ये अभी सो के उठे हैं तो इनकी अभी होश जो है ना अभी जागे नहीं है। इनको नाश्ता देते हैं, चाय रस है और वो एज यूजल अपना फीडर पी रहा है और ये रस्से मैंने इनके पास रख दिए। हाँ जी, और ये टीवी देख रहे हैं और मैं बना रही हूँ इनके लिए चाय। तो आ जाए इधर, मैं इनके लिए चाय बना रही थी और एज़ यूजल अभी मॉर्निंग का टाइम है तो बर्तन जो है अभी गंदे पड़े हैं, अभी मैंने वॉश करने हैं। और ये जी इनके लिए चाय बना रही हूँ मैं कि हम अच्छा सा नाश्ता कर लें। नाश्ता क्या है, अभी तो दिल नहीं करता ना पराठा वगैरह अभी ना कुछ, सिंपल सी ये जी है कि चाय बनाते हैं और चाय रस ले लेते हैं या ये लोग ब्रेड के साथ चॉकलेट ले लेते हैं। तो इसी तरह से हमारा हल्का फुल्का सा नाश्ता होता है। तो आप सब बताएं आप लोग नाश्ते में क्या करते हैं। और आज का सीन कुछ ये है कि मेरी सिस्टर आ रही है आज, ठीक है, महविश और उसके हस्बैंड नईम भाई आ रहे हैं और उनके लिए मैंने अब खाना बनाना है। तो खाना आज बड़ा सिंपल सा बनाना है, आपको मैं बताऊंगी, आपने हमारे साथ व्लॉग में रहना है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आज हम खाने में सादा सा उनके लिए क्या बना रहे हैं। गर्मियों की फेवरेट डिश बनाएंगे हम आज उनके लिए। तो मैं ज़रा चाय बना लूँ फिर मैं आपको मिलती हूँ। चाय देखें ज़रा, मेरी चाय का रंग देखें आप, ये देखें कितनी मज़ेदार चाय है। बच्चे भी चाय ले रहे हैं नाश्ता। तुम्हारे क्यों बूथी बनी हुई है अपा, ना बुरी बात है, शाबाश जल्दी खाओ बेटे, जल्दी से खाओ, शाबाश। नहीं नहीं दिल कर रहा है, चले अब हम नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद हम अपने व्लॉग को होल्ड पे लगाते हैं और अब हम बैठ के नाश्ता करते हैं। ये ओए वो उमर कहाँ जा रहे बेटे, लगा लो इसको, बड़ा ही शौक है बकरों का हाथ लगाने का। चलें जी, जिनका है अल्लाह पाक उनको नसीब करे। हम माँ बेटा जो है ना, सीन इस तरह से है कि इस गर्मी में हम निकले हैं शॉप तक जाने के लिए कि हमने कुछ चीज़ें लेनी थी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि उमर की खाला आ रही हैं तो कुछ चीज़ें छोटी छोटी थी शॉप से लेनी थी जो मुझे खाना बनाते वक्त यूज़ होनी थी। तो मेरे हाथ पे लगा हुआ गंदे उसका, चलो जल्दी तेज चलो ना बहुत धूप है। घोड़ा चलो, ये देखिए हिरन कैसे चलती है रोड पर आता हूं ना, ये ऐसे सो भागो 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 भागो। अच्छा भाई बहुत गर्मी है और धूप इतनी सख्त है जिसकी हद ही कोई नहीं है। हम भी चल सो चल चलते जा रहे हैं, तो चले शॉप पे पहुंचते हैं। फाइनली जी हम अपने मंजिल मकसूद पर पहुंच चुके हैं, वो रहा हमारा जनरल स्टोर। यहाँ तक चल के आने में ना कसम से बता नहीं सकती कितना बुरा हाल हो गया गर्मी से। उमर की ज़रा चाल चेक करें, बड़ा खुश होता है यहाँ आके ना। चलें जब शॉप के अंदर जाते हैं। ये जी हम शॉप के अंदर आ गए हैं ग्रॉसरी सेक्शन में, भाई नाश्ता कर रहे हैं। भाई चिकन क्यूब्स नहीं पड़े हुए कहाँ पे? नहीं नहीं आप कर ले नाश्ता, मैं कर लेती हूँ। अच्छा चले ये ले लिए, चले बाकी सामान भी लेते हैं जी। तो अब हम आ गए हैं वापस और ये ले लिया जी हमने सोता जो इतनी गर्मी में लेने के लिए गए हैं। और ये अब भागता हुआ पता है क्यों जा रहा है, इसने ना उस बकरे को फिर हाथ लगाना है। मेरे दोनों बच्चों की जान है भाई ये एनिमल्स में, तो वो किसी भी तरह टाइप के एनिमल्स होना ये तो मरते हैं भाई। अरे बहुत गर्मी है, अल्लाह ताला सब पे अपना करम किए रखे और ये जिनके बकरे खड़े हैं अल्लाह उनको नसीब करे। चलो खिलाओ ये लो, चलो खिला दो आराम से, कोई बात नहीं।
नहीं मारता वो, डर क्यों रहे हो अब? वाह वेरी गुड, इसको खिलाऊंगा। अच्छा शाम को फिर आना ना, फिर शाम को, गर्मी है। ईद मुबारक। वाह कितना प्यारा सजाया उमर उन्होंने, आजो ना इधर उमर, गर्मी बहुत है, चलो बेटे। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा है ना, नहीं चलो आजो, अच्छा चलो घर चले जब हम घर पहुंचते हैं। जी माय यूट्यूब फैमिली, मैं घर आ गई हूँ और अब हम बना रहे हैं गर्मियों की फेवरेट डिश, मसूर की दाल और साथ उबले चावल। ये देखें जी, मेरा तरीका तो ये है कि मैं जो दाल है ना मसूर की, वो प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, 20 मिनट में आपकी दाल रेडी हो जाती है। तो इसमें सिंपल यही है कि मेरी अपनी ही रेसिपी है, इसमें सारा मसाला जात और टमाटर मिर्चें डाली हैं और ये दाल है, और इसके अंदर जो है ना मैं जो लेके आई हूँ ना कनोर चिकन क्यूब्स, इसमें ये मैंने एक क्यूब भी डालना है, ठीक है, ये कि टेस्ट अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब बंद करके सीटी पे लगाते हैं और साथ फिर बॉयल राइस करते हैं और किचन साफ़ करते हैं, ठीक है। तो तब तक दाल रेडी होती है और बाकी काम होते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। ये जी उमर की खाला आ गई हैं और इन दोनों की लड़ाई देखो। उम शावेस क्या हो गया है? प्रिया दे दो उसको, प्रिया दे दो उसको, फिर तुम मैं खाला नहीं बनूंगी। ये जी रो रहा है, पहले ये खुश हो रहा था कि प्रिया आ रही है, अब प्रिया आ गई है तो इनकी जी लड़ाई शुरू हो गई है। वो इसके टॉयज ले रही है और वो दे नहीं रहा। इधर आओ सर, तुम इधर आओ, तुम मेरी बात सुनो, उसको दे दो, उसको दे दो, ये ले लो ले लो, चलो ले लो, वो दे रही है तुम्हें, ले लो, दे फेंक दो प्रिया उसको, फेंक दे दो। चलें जी सुलह हो गई है, ये लोग आ गए हैं और मैं खाना बना रही हूँ, तो फिर मिलते हैं आपको खाना बनाते हुए। जी तो ये मेरी दाल तैयार हो चुकी है, ये राइस बॉयल हो चुके हैं, सैलड भी बन गया है, दूध भी बॉयल हो गया है और किचन भी सारा साफ़ सुथरा हो गया, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरी सिस्टर आ चुकी है, तो बस जो हमने दाल चावल हैं ये तकरीबन अब हमारे रेडी हैं, तो आपको मैं दाल की शक्ल भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इतनी मज़ेदार सी दाल भी बन गई है मेरी, और ये जी है दोपहर का खाना है। जब मैं डिश में डालूँगी फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। फाइनल लुक इज़ हेयर, मेरे बॉयल राइस, मेरी दाल, यमी यमी सा सलाद, और ये रहा आज हमारा दोपहर का यमी सा लंच जो मैंने उमर की खाला के लिए बनाया है। और मुझे पता है आप ये देख के आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, अगर आप लोग मेरे करीब होते तो मैं आपको भी ज़रूर खिलाती, लेकिन अभी इसको देख के ही आप बस अपना दिल भर लें, नहीं तो अपने घर में बना कर यमी यमी सा खाएँ, ठीक है। चलें जब हम खाना खाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये देखें जी अब दोनों थक के जो है ना सो गए हैं, शावेज़ भी और प्रिया भी, इनके लिए रूम में कूलर चल रहा है और उमर बाहर टीवी देख रहा है, और बाकी भाई आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, खाना शाना खा लिया है, तो अब चाय का कुछ सीन बनाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। मौसम चेक करें, एकदम से जो है ना कितना बदल गया है, आंधी आने के ना आसार नज़र आ रहे हैं। आज वैसे ना गर्मी भी बहुत शिद्दत की थी, वो वहाँ पे मज़दूर लगे हुए हैं काम कर रहे हैं अपना, क्योंकि शाम का टाइम हो गया तो अब सारे ना बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, और इस साइड पे भी देखें ठीक है, और बड़ा अच्छा मौसम होता जा रहा है। देखें अब ये क्या सूरत हाल पकड़ता है। अब शाम हो गई है, इनको जी ये बना कर दिए हैं साथ इनके फेवरेट स्नैक्स, ये जी सो के उठने के बाद अपना मनपसंद स्नैक्स खा रहे हैं। और प्रिया आप नहीं खा रही, कितनी बुरी तरह से खा रहे हो, सही तरह से खाओ। ये प्रिया है और ये तीनों अब हैं, चलें ये खाना खा लें। जी तो अब हम जा रहे हैं बाहर, कहाँ जा रहे हैं? विंटर में हाथ है क्या?
हाँ अच्छा, हम अब मैं उमर की खाला को लेके अपने साथ हम अब जा रहे हैं बाहर, मतलब पहले नानू को मिलने जाएंगे और उसके बाद अपने भाई की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमने अपना दिन गुजारना है क्योंकि छुट्टियां हैं और कहीं ना कहीं बंदे ने जाना है और मौसम भी कुछ कदरे बेहतर है। पहले मौसम थोड़ा ख़राब हुआ है लेकिन अब फिर जो है ना वो देखें धूप आ गई है। और ये चिशावेज़ है, पीछे मेरी सिस्टर है और उमर है, तो चलाएं चलते हैं, पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर। टायर की हवा हम चेक करवा रहे हैं यहाँ पर, और ये मेन रोड है और ये रहा आपका उमर। बस टायर की हवा चेक करवा लें बेटे, फिर चलते हैं। हाँ बकरे, अब तो जाहिर बात है कुर्बानी आ रही थी, हर जगह पे मंडी तो लगी हुई है ना, तो चलिए जी ओके हो गया जी ओके। ये ले बस, ठीक है रख लें, ठीक है हो गया भाई, चलें जी अब चलते हैं। ओके जी, अब हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं नानू की तरफ, ठीक है। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग हम एंड करते हैं और बस वहीं पे जाके मिलना मिलाना और बातें शातें होनी है और मैं जाके वहाँ जाके व्लॉग नहीं बना सकती, मुश्किल है थोड़ा सा। तो बस इसी के साथ ही आज का कंटेंट जो है हम ख़त्म करते हैं। आपको आज का हमारा बहुत पसंद आएगा कंटेंट, तो आपने ज़रूर सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर लाजमी करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।